पैलेस खबरें। आबे के राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार का विरोध। जापान के विपक्ष ने कहा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद ना करे सरकार। मामला कोर्ट तक पहुंचा। श्रीलंका में आधी रात प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। सेना ने संसद के सामने तमाम टेंट उखाड़े। दो पत्रकारों समेत 9 गिरफ्तार। कैपिटल हिंसा में ट्रंप ने एक्शन नहीं लिया। जांच कमेटी बोली ट्रंप 187 मिनट तक डाइनिंग रूम में बैठे रहे, सब टीवी पर देख रहे थे। अमेरिका में चलती ट्रेन में लगी आग का लपटों से घिरे लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। 200 यात्री सवार थे। दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए रूस यूक्रेन में डील। लोगों तक पहुंचेगा अनाज। महंगाई पर लगेगा ब्रेक। मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम डार्ली डेविडसन पर फेंकी गई लुक में फंकी लुक में नजर आए, खलबली मची। पीओके में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, कई घायल। चीन बना रहा है टॉर्पीडो, समुद्र के अंदर ही डूब जाएंगे दुश्मन के जहाज। फेसबुक ने दो अफगानी मीडिया संस्थानों को किया बैन। तालिबान ने असहिष्णुता बताया। मंकी पॉक्स का वायरस बढ़ रहा है। अमेरिका में पहली बार बच्चों में सामने आए मामले। संसद भवन में आ चुका राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह कल हुआ। पीएम, उपराष्ट्रपति, स्पीकर के साथ सभी सांसद मौजूद रहेंगे। 1.5 लाख पेंशन, 8 कमरे वाला घर और सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन मिलेंगी ये सुविधाएं। अमित शाह का गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में रहेंगे शामिल। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से रेलवे को हुआ 259.44 करोड़ रुपयों का नुकसान। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए नोएडा में बनाया कंट्रोल रूम। बाइक सवार यात्रियों को बांटा हेलमेट और तिरंगा। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 21,000 से अधिक मामले। एक्टिव केस 1.5 लाख के पार। 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 67 और मरीजों की जान गई। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी लगातार बढ़ी। मौतों ने बढ़ाई चिंता। 121 ट्रेनों को रद्द किया गया। 12 ट्रेनें डायवर्ट, 13 ट्रेनों को रिड्यूशल करने का फैसला। अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तिहाड़ जेल में यासीन मलिक की भूख हड़ताल, उम्र कैद काट रहा, बोला मेरे केस की सही जांच नहीं हुई, पीएके का सपोर्ट मिला। शिंदे ठाकरे को चुनाव आयोग का नोटिस। 8 अगस्त तक शिवसेना पर अपने दावे के दस्तावेज जमा करने को कहा गया, इसके बाद सुनवाई होगी। कनाडा से गोल्डी परार को लाने की तैयारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों की पुलिस 7 आई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर गैंगस्टरों पर कार्रवाई करेगी। देश में बारिश का दौर जारी। यूपी में बीते 24 घंटों में 22 मिलीमीटर बारिश। ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। ग्वालियर में डंपर में 7 कांवड़ियों को कुचला हादसे में 6 की मौके पर मौत। 1 कांवड़ी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के हाथरस सादाबाद मार्ग पर हुआ हादसा। गंगा जल लेकर हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे सभी ग्वालियर के उटीला के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश की पहली यूथ महापंचायत आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा कैंसिल हो गया। पहली यूथ महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। 2 अगस्त को हो सकती निगम परिषद की पहली बैठक। करीब 2 साल 9 महीने बाद परिषद की बैठक। पूरे शहर की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर चर्चा होगी। बारिश का दौर जारी। तेज बारिश की वजह से बढ़ा तालाब का जलस्तर। शाम की बारिश से तालाब का वाटर लेवल बढ़ा। कभी भी खुल सकते हैं भदभदा डैम के गेट। नदी में फंसे बुजुर्ग को लोगों ने बचाया। नदी पार करते समय तेज पानी में बुजुर्ग फंस गए थे। कुछ युवकों ने नदी में पहुंचकर जान बचाई। सीएम भूपेश बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में रहेंगे शामिल। इसके बाद छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत। जशपुर में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत। बच्ची और पुरुष गंभीर रूप से घायल। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर में 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या की। 12वीं के नतीजों से परेशान होने की बात सामने आई। कल ही सीबीएसई 12वीं का नतीजा आया है। राजगढ़ खिलचीपुर में 2 मंजिला मकान गिरा। बारिश के कारण मकान गिरा। हादसे में महिला की मौत। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद। बीजापुर में लगातार बारिश से बाढ़ का कहर। चेरपाल, कोटर, भैरमगढ़ इलाके में नदी नाले उफान पर। घरों में पानी घुस रहा। अलॉट में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आग लगी। फैब्रिकेट ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। बैंक में लॉकर सुरक्षित। भाटापारा में 22 घंटे बाद भी नहीं मिला छात्र का शव। शिवनाथ नदी के पुल में बाइक के साथ छलांग लगाई थी। मौके पर पहुंची टीम रेस्क्यू में जुटी। रिजल्ट में फेल होने से दुखी होकर छलांग लगाई गई। कल ही सीबीएसई 12वीं का नतीजा आया। और दुर्ग में फिर खतरे के निशान तक पहुंची शिवनाथ नदी। महमरा एनिकेट के ऊपर बह रहा है पानी। कल से बारिश हो रही है और स्थितियां बन गई।
और वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की जीत। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराया। कप्तान शिखर धवन ने खेली 97 रनों की पारी।